हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये बताएंगे कि जब बच्चेदानी नीचे खिसक जाती है तो उसका इलाज क्या करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई बच्चेदानी को निकालना ही एक इलाज है, बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। बच्चेदानी को निकालने के अलावा उसको फिक्स भी किया जा सकता है, जिसमें बच्चेदानी को अंदर की तरफ जाली लगा के या धागे के साथ अंदर की तरफ सेट कर दिया जाता है। जब बच्चेदानी नीचे खिसकती है तो उसके साथ साथ पेशाब की थैली भी नीचे खिसक जाती है और उसके साथ के साथ लैटरिन की थैली भी नीचे खिसकती है। ऐसी स्थिति में लेडी को लैटरिन जाने की भी तकलीफ हो जाती है और पेशाब जाने में भी तकलीफ आती है। और जो बच्चेदानी नीचे खिसक जाती है तो उसे चलने फिरने में भी परेशानी आती है, और जब वो नीचे खिसकती है तो खिंचाव के कारण कमर में दर्द भी होता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब हम बच्चेदानी को खींच के ऊपर वापस सपोर्ट करके स्टिच कर देते हैं, ऊपर टाँका लगा देते हैं, सेट कर देते हैं, तो उसकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप बच्चेदानी को निकाल दें, लेकिन बच्चेदानी में ऐसे यदि कोई बीमारी नहीं है तो अपन उसे ना भी निकालें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली अगर बच्चेदानी रखी है तो बच्चेदानी में भविष्य में जाके कोई भी बीमारी होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में यदि आपके महीने बंद हो गए हैं, जैसे कि जो आज हमारे साथ ये हैं लेडीज़ हैं, इनकी उम्र करीब 60 साल के आसपास है, महीने इनके बंद हो चुके हैं, मेनोपॉज हो चुका है, बच्चेदानी नीचे खिसकी हुई है, साथ ही साथ सिस्टोसील और रेक्टोसील भी है, तो इनका डिसीजन ये है कि सब बच्चेदानी निकाल दीजिए और बाकी की चीज़ें आप रिपेयर कर दीजिए। तो ये जो सारा काम आज हम करने जा रहे हैं वो दूरबीन से करेंगे, और दूरबीन के ऑपरेशन के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि हम पेट पर छेद बनाकर दूरबीन अंदर डालते हैं, जो पूरा पिक्चर है वो टीवी के ऊपर आता है और कैमरे से अंदर का सारा पिक्चर स्क्रीन पे आने लगता है। इसमें ये अपना कैमरा होता है, ये जो कैमरा होता है हम उसको हमारे कैमरे की मशीन से अटैच कर देते हैं। ये हमारा लाइट वाला सिस्टम होता है जिससे लाइट आती है, जिससे कि हमें पेट के अंदर दिखाई देता है। तो ऐसे कुछ तरीके की वायर्स होते हैं जो कि हम लगाते हैं, देखते हैं। पहले पेशेंट को पूरा एनेस्थीसिया दे दिया गया है, एनेस्थीसिया देने से पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाता, उसे दर्द की अनुभूति नहीं होती, उसे किसी प्रकार का कुछ पता नहीं चलता है, पेशेंट बड़ा कंफर्टेबली आराम से सो रहा होता है, उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। सारे पेशेंट का बीपी पल्स वगैरह सब मशीन से कंट्रोल रहता है। तो आप इधर देखेंगे तो पूरा मशीन का टावर होता है जिसमें बीपी पल्स ऑक्सीजन की मात्रा सारी चीज़ें बराबर चलती रहती है, जिसे बराबर मॉनिटर किया जाता है कि पेशेंट के सारे पैरामीटर सही चल रहे हैं या नहीं, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। ये जो हमारी दूरबीन है, ये तो दूरबीन है, ये एंडोस्कोप होता है, ये उसके ऊपर कैमरा अटैच हम इसके ऊपर कर देते हैं, और ये लाइट सोर्स होता है जिससे कि ये लाइट सामने आती है, ये लाइट ही हमें अंदर जाके पेट के अंदर की चीज़ स्क्रीन पे दिखाती है। अब इसके लिए हमें एक रास्ता बनाना होता है पेट के अंदर, जिससे कि ये अंदर जा पाए। इसके लिए हम पेट के अंदर एक छेद बनाते हैं जिससे कि ये दूरबीन अंदर जा पाती है, और अंदर का पिक्चर अब दिखा दो, और पेट के अंदर का पिक्चर स्क्रीन पे आ पाता है। अब इस पेट को फुलाने के लिए इसमें CO2 गैस डाली जाती है, ये CO2 गैस यहाँ कनेक्शन से, ये CO2 गैस यहाँ कनेक्शन किया जाता है, इसका यहाँ जोड़ दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि अंदर का पिक्चर एकदम से धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है, जैसे जैसे गैस अंदर जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि एब्डोमेन ये पेट फूलता जाएगा और अंदर का पिक्चर अपने को अच्छा दिखता जाएगा। तो ये जो सामने पीला पीला दिख रहा है, ये सब आंतों का जो फैट होता है वो दिख रही है, और वाइट कलर की है जो पिंक कलर की दिख रही है वो आते हैं। तो इस तरीके से ये अंदर का पूरा पिक्चर हम इस दूरबीन से देख पाते हैं। जैसे इस दूरबीन से अभी ये सामने का दिख रहा है, लेकिन हम इस तरीके से इसको पूरा 360 डिग्री घुमाकर पेट में, अब जैसे ये दूरबीन यहाँ का हिस्सा दिखा रही है, फिर यहाँ का हिस्सा दिखा रही है, अब हम यहाँ पे जो लीवर है अभी देखेंगे कि लीवर दिख रहा है, ये जो डार्क रेड कलर का दिख रहा है वो लीवर है। फिर ऐसी स्थिति में आगे आंतों का हिस्सा है, और आप ऊपर जाके आप देखेंगे तो ये हार्ट हमें पल्सेट होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से अंदर की सारी चीज़ें पूरा इस पेट इस दूरबीन को घुमाकर हम 360 डिग्री पूरी चीज़ें अच्छे से पूरे पेट की दूरबीन से जाँच कर लेते हैं। तो ये फ़ायदा होता है दूरबीन से कि बीच में एक छेद बनाकर आप इसको पूरा 360 डिग्री रोटेट करके चारों तरफ पेट के अंदर किसी भी कोने में जाके आप चेकअप कर सकते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई भी बीमारी पेट के अंदर छूटती नहीं है और सारी बीमारी का इलाज कर दिया जाता है। अब इसके साथ ही साथ अब आप देखेंगे कि हम दो साथ में छोटे छेद और बनाएंगे, जिससे कि हम अब ऑपरेशन करने वाले औज़ार अंदर डाल पाएंगे। तो जो औज़ार हम डालते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, पेन से भी पतले औज़ार होते हैं, आधा सेंटीमीटर के करीब होते हैं। इसके लिए भी हमें ऐसे ही छेद बनाए थे,
और ये छेद हमेशा बड़े सावधानी से देख के बनाया जाता है, जिससे कि अपने आते वाते किसी प्रकार की कोई भी चीज़ डैमेज नहीं होती है और पूरी सावधानी बरती जाती है ताकि पूरी सेफ्टी बरती जाती है ताकि किसी प्रकार का कोई डैमेज ना हो और बिना डैमेज के प्रॉपर तरीके से सही ऑपरेशन हो पाए। तो इस तरीके से हमने, आप देखेंगे कि ये दो पोर्ट बना दिए। अब इनमें से हम दो ये पतले लंबे इंस्ट्रूमेंट डालेंगे जो ये अंदर जाके ऑपरेशन करेंगे। तो ये बाहर से ऑपरेट होते हैं, तब आप पेट अंदर देखेंगे तो ये देखेंगे अभी ये खोल भी सकते हैं बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे ऑपरेट बाहर से होते हैं। तो अभी इस तरीके से मेरे हाथ अंदर पहुंच गए, लेकिन मेरे हाथ तो बाहर ही हैं लेकिन ये काम अंदर कर रहे हैं। तो इस तरीके से साफ सुथरा काम होता है, बाहर की कोई भी चीज़ अंदर नहीं डालते हैं। और हम ये जैसे ये जो आते हैं अब इनको पीछे की तरफ खिसका रहे हैं जिससे कि हमें आगे अच्छे से दिख पाए। तो ये जो सामने चीज़ दिख रही है ये यूट्रस है, यूट्रस के साथ में ये नलियां हैं दोनों तरफ की, और ये नलियों के साथ में नीचे की तरफ ये जो सफ़ेद रंग की दिख रही है ये ओवरी है। इसकी ओवरीज बिल्कुल हेल्दी है तो हम इनको नहीं निकालेंगे, दोनों ओवरीज को हम सेव कर लेंगे और ये यूट्रस को निकाल देंगे। यूट्रस को निकालेंगे और बाकी जो रास्ता बचेगा उसे हम यहाँ से जोड़ के पीछे की तरफ इसको, इन लिगामेंट्स को टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि आखिर हम ये ऑपरेशन आज कैसे करेंगे। और वो जो टाके लगाए जाते हैं वो भी अंदर से ही दूरबीन से ही लगाए जाते हैं, जिससे कि बाहर किसी प्रकार का कोई टाका या कुछ भी इन्फेक्शन करने का होने का खतरा नहीं रहता है। और इस ऑपरेशन के बाद जनरली किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं बताया जाता है, पर जब हम प्रोलैप्स का ऑपरेशन करते हैं यानी बच्चे खिसकी हुई बच्चेदानी को सेट करने का ऑपरेशन करते हैं तो वज़न का परहेज ज़रूर बताया जाता है, यानी कि 2 महीने तक वज़न ना उठाएं तो जो जाली लगाई जाती है या टिश्यू को मजबूत किया जाता है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से दूरबीन के ऑपरेशन में आप देखेंगे कि छोटे छेद बनाकर ऑपरेशन किया, किसी प्रकार का चीरा नहीं लगाया, बाहर से कोई भी चीज़ हम अंदर नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ लंबे पतले इंस्ट्रूमेंट डालते हैं जिससे अंदर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती, ब्लीडिंग बहुत कम होती है और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। कमर में किसी प्रकार का सुई नहीं लगाया जाता, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि पेशेंट पूरा बेहोश हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको सर्जरी के बारे में आज काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।